लेट्स डिस्कस सम ऑफ द नगेट्स इन ENT. फर्स्ट इसमें कोस्टन सिंड्रोम है. कोस्टन सिंड्रोम क्या होता है? टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की एबनॉर्मेलिटी होती है डिफेक्टिव बाइट के कारण. और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? फर्स्ट ओटैल्जिया, मतलब ईयर पेन होता है. सेकेंड ब्लॉक्ड ईयर फीलिंग, ब्लॉक हो गया ईयर, ऐसी फीलिंग आएगी. थर्ड टिनिटस, साउंड सुनाई देता है. एंड फोर्थ पेन फ्रंटल पैराइटल और ऑक्सीपिटल रीजन में. सो ओटैल्जिया, ब्लॉक्ड ईयर फीलिंग, टिनिटस एंड पेन. देन सेकेंड है डेलियम्पल साइन. ये ग्रेव डिसीज में होता है. अपर लिड रिट्रैक्शन होता है इसमें और अपर स्क्लेरा का शो होता है. अपर रिट्रैक्शन प्लस अपर स्क्लेरा शो. देन थर्ड डॉडी साइन या ऑसिलोप्सिया होता है. इसमें रीडिंग डिफिकल्टी होती है वॉकिंग के समय और बायलैटरल वेस्टिबुलर फंक्शन के लॉस के कारण होता है. एग्जाम्पल सिस्टमिक स्ट्रेप्टोमाइसिन थेरेपी के आफ्टरवर्ड्स होता है ये. नाउ फोर्थ डोनाल्डसन्स लाइन है. ये एंडोलिफेटिक सैक का लैंडमार्क होता है. एंटीरियर और इन्फेरियर उसके होती है. ये एंडोलिफेटिक सैक जो है ना उसके आगे और उसके नीचे होता है इस लाइन के. और ये पास करता है थ्रू हॉरिजॉन्टल कैनाल के थ्रू पास करता है और पोस्टीरियर कैनाल को ये बाइसेक करता है डोनाल्डसन्स लाइन. एंड फिफ्थ है फ्रेंजल मैन्यूवर. तो फ्रेंजल मैन्यूवर ईस्टेशन ट्यूब को ओपन करने के लिए किया जाता है. और इसमें क्या करते हैं कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं माउथ के फ्लोर की और फेरिंग्स की मसल्स को, और साथ में ग्लॉटिस नोज और माउथ को क्लोज करते हैं. देन सिक्स्थ है गैलेंस एनेस्टोमोसिस. इसमें क्या, ये सुपीरियर लैरिंजियल नर्व और रिकरेंट लैरिंजियल नर्व के बीच में ये एनेस्टोमोसिस फॉर्म होता है. देन सेवन्थ गैलीज टेस्ट है. तो इसमें बोन कंडक्शन साउंड विथ या विदाउट प्रेशर चेंज आता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में. और नॉर्मल में गैलीस पॉजिटिव होता है एंड ऑसिकुलर डिसकंटिन्यूटी के केस में गैलीस नेगेटिव हो जाता है. नाउ एट है क्रेटेनिगो सिंड्रोम. क्रेटेनिगो सिंड्रोम में क्या होता है? ईयर डिस्चार्ज होता है क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया के कारण. सेकेंड डिप्लोपिया होता है क्रैनियल नर्व सिक्स्थ के पैरालिसिस के कारण. एंड थर्ड रेट्रो ऑर्बिटल पेन होता है क्रैनियल नर्व फिफ्थ के इन्वॉल्वमेंट के कारण. और ये सारी चीज़ें पेट्रोसाइटिस के कारण होती है जो कि क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया का ही कॉम्प्लिकेशन है. नाउ नाइन्थ ब्रीज सिंगल साइन है. तो इसमें क्या होता है? मैस्टॉइड के ऊपर ईडिमा हो जाता है. ये मैस्टॉइड एमिसरी वेन के थ्रोम्बोसिस के कारण होता है जो कि वीनस ड्रेनेज को इम्पीड करती है. और ये लैटरल साइनस थ्रोम्बोसिस में होता है. नाउ टेंथ हैबेनुलर प्रोलिफेरेटा होता है. ये क्या होता है? ये एरिया होता है जहाँ पे कॉक्लियर नर्व ब्रांचेस एंटर करती है कॉक्लिया को. और ये एसोसिएटेड रहता है इंटरनल एकॉस्टिक मिएटस अगर एनलार्ज होता रहता है तो उससे. और ये एक्स लिंक्ड डिसीज होती है. नाउ इलेवंथ है हेनेबर्ट्स फिनोमिना. हेनेबर्ट्स फिनोमिना क्या होता है? डिसइक्विलिब्रियम होता है जो कि फॉलो करता है नोज ब्लोइंग को और हैवी ऑब्जेक्ट लिफ्टिंग को. हैवी ऑब्जेक्ट लिफ्ट करने के बाद होता है या नोज ब्लोइंग के बाद. और ये पेरिलिम्फ फिस्टुला में देखा जाता है. नाउ ट्वेल्थ हिडन एरियाज ऑफ फ्लैरिंग्स है. तो ये कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इंफ्राहाइट हैपी ग्लॉटिस होता है. सेकेंड एंटीरियर कमिश्चर होता है. देन थर्ड सब ग्लॉटिस होता है. फोर्थ वेंट्रिकल होता है. एंड फिफ्थ पायरीफॉर्म फोसा का अपेक्स होता है. ये हिडन एरियाज होते हैं. नाउ थर्टीन है हॉर्नर सिंड्रोम. हॉर्नर सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? सर्वाइकल सिंपैथेटिक पैरालिसिस के कारण होता है. और उसमें क्या क्या साइंस आते हैं? एक तो टोसिस, आईलेट्स की ड्रूपिंग हो जाएगी. सेकेंड मायोसिस, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्शन. एंड थर्ड एंटीक्लोड्रोसिस होता है. एंड फोर्थ इनऑफ्थेल्मोस हो जाता है, एनहाइड्रोसिस होता है सॉरी. देन 14th है इन्वर्टेड पैपिलोमा या रिंगर्स ट्यूमर. ये अराइज करता है नोज की लेटरल वॉल से. इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? स्क्वैमस या ट्रांजिशनल सेल एपिथीलियम इसमें होता है. फाइब्रोवास्कुलर स्ट्रोमा होता है और एपिथीलियम की इन्वर्ट ग्रोथ होती है. और ये एसोसिएटेड होता है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा से. नाउ 15th है कालमैन सिंड्रोम. कालमैन सिंड्रोम में क्या होता है? एनोस्मिया होता है जो कि स्मेल नहीं आते जिसमें. और सेकेंड कॉन्जेनाइटल हाइपोगोनाडिज्म, मतलब गोनाड्स कम डेवलप होता है. एनोस्मिया एंड कॉन्जेनाइटल हाइपोगोनाडिज्म. नाउ 16th है कार्टिगेनर सिंड्रोम. तो कार्टिगेनर सिंड्रोम में क्या, रिकरेंट साइनसाइटिस होता है, बार बार साइनसाइटिस. सेकेंड ब्रोंकियोक्टेसिस होता है, ब्रोंकाई में स्पेस कम हो जाता है. देन थर्ड साइटस इन्वर्सस हो जाता है, ऑर्गेन सपोजिस साइड में चले जाते हैं. फोर्थ सीलियरी मोबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है, सीलियर की मोबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है. देन 17th क्रॉजेस नोड्स है. क्रॉजेस नोड्स में क्या, लिम्फ नोड होते हैं ये जगुलर फिरामेंट में. और ये सेकेंड क्या है, एनलार्जमेंट इसका कंप्रेस करता है 9th, 10th और 11th नर्व को, जिससे कि जगुलर फिरामेंट सिंड्रोम हो जाता है.
18th है लेरमोइस सिंड्रोम। लेरमोइस सिंड्रोम क्या होती है, मीनियस डिसीज का वेरिएंट होता है, और इसमें फर्स्ट हियरिंग लॉस प्लस टिनिटस होता है, उसके बाद फिर वर्टिगो रिलीव कर देता है टिनिटस को और हियरिंग को भी इम्प्रूव कर देता है। नाउ 19th लायरिस साइन है, तो इसमें क्या होता है, स्प्लेइंग अपार्ट हो जाती है इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज, और कैरोटिड आर्टरी में ट्यूमर ऑफ नेक में ये देखा जाता है। नाउ 20th मार्कस गन सिंड्रोम। मार्कस गन सिंड्रोम में फर्स्ट क्या है, माउथ ओपन अगर रहेगा तो आइज भी ओपन रहेगी, और सेकेंड माउथ क्लोज रहेगा तो फिर टोसिस हो जाएगा, मतलब आईलेट्स की ड्रूपिंग हो जाएगी, और ये फेशियल पैरालिसिस के कारण होता है, प्लस फेशियल नर्व फाइबर्स जब फॉल्टी रीजनरेट करते हैं ना, मतलब अच्छे से रीजनरेट नहीं करते, तब उस केस में होता है। देन 21st है माइकल अप्लेशिया। माइकल अप्लेशिया में क्या होता है कि इनर ईयर डेवलपमेंट टोटली लैक करता है, होता ही नहीं है अच्छे से, और ये कंफ्यूज होता है कई बार लेबरेंथाइन ऑसिफिकेशन से, माइकल अप्लेशिया। नंबर 22 है मुलर्स मैन्युअर। मुलर्स मैन्युअर किस लिए होता है, लेवल को फाइंड करने के लिए और डिग्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन को स्लीप डिसऑर्डर की ब्रीथिंग में। नंबर 23 है नर्व ऑफ रिसबर्ग या नर्वस इंटरमीडियस। ये फेशियल नर्व पार्ट होता है जो कि कैरी करता है सेंसरी और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स को। देन 24th है नोड ऑफ रोवियर। नोड ऑफ रोवियर क्या होता है, सबसे सुपीरियर नोड होता है लेटरल ग्रुप ऑफ रेट्रोफेरेंजियल नोड्स में। नाउ 25th है ऑर्डनर सिंड्रोम। ऑर्डनर सिंड्रोम होता है रिकरेंट लैरेंजियल नर्व का पैरालिसिस, और उसके कारण कार्डियोमीगली, मतलब हार्ट का साइज बढ़ जाएगा। नाउ 26th क्या है, पेम्बर्टन्स मैन्योर है, तो ये पेम्बर्टन्स मैन्योर ऑब्स्ट्रक्शन को देखने के लिए किया जाता है सब एक्सटर्नल एक्सटेंशन ऑफ थायराइड मास में, और रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट होता है इसमें, नेक वेन्स टेंशन होता है, और फेस का सफ्यूशन जाता है अगर हम हेड से ऊपर आर्म्स को रेज करते हैं तो। देन 27th है पियर रॉबिन सीक्वेंस या सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, ये ट्रायड होता है इसमें माइक्रोग्नेथिया का, ग्लॉसोप्टोसिस का एंड क्लेफ्ट पैलेट का, तो ये तीनों चीज़ें होती हैं। नाउ 28th है पाउच ऑफ लस्का। पाउच ऑफ लस्का क्या होता है, पाउच का पर्सिस्टेंस होता है जो कि फॉर्म होता है नोटोकॉर्ड के अटैचमेंट से एंडोडर्म्स के साथ, और नेसोफेरिंक्स के एरिया में ही होता है। 29th है राइनोफाइमा। राइनोफाइमा एसोसिएटेड होता है एक्ने रोजेशिया से, और ये हाइपरट्रॉफी के कारण होता है सेबेशियस ग्लैंड्स की, नेजल टिप में जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। सेंट्रल स्ट्राइड है 30। सेंट्रल स्ट्राइड में नेजल पॉलिपी होता है, ब्रोंकियल अस्थमा होता है, और एस्पिरिन की सेंसिटिविटी होती है, ये तीन चीज़ें होती है। नाउ 31st है स्फेमेंस बॉडीज। स्फेमेंस बॉडीज देखी जाती है सार्कोइड ग्रैनुलोमा में। 32 है स्टेडेरियन मेम्ब्रेन और म्यूकोसा। तो ये स्टेडेरियन मेम्ब्रेन रेस्पिरेटरी म्यूकोसा होती है नोज की, और इसमें सूटो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर सेल्स होते हैं। 33rd है सिपल सिंड्रोम। सिपल सिंड्रोम मेडुलरी कार्सिनोमा होता है थायराइड का, साथ में फियोक्रोमोसाइटोमा होता है, और साथ में पैराथायराइड हाइपरप्लेशिया होता है एडेनोमा का। नाउ 34th है स्लरस न्यूराल्जिया। स्लरस न्यूराल्जिया में न्यूराल्जिक पेन होता है लोअर हाफ ऑफ फेस में, साथ में नेजल कंजेशन होता है सेकेंड, थर्ड राइनोरिया भी होता है नेजल डिस्चार्ज, एंड फोर्थ इंक्रीज लैक्राइमेशन, लैक्राइमेशन बढ़ जाता है। ये किसके कारण होता है, स्फिनोपैलेटाइन गैंग्लियन न्यूराल्जिया के कारण होता है। नाउ 35th है SUNCT सिंड्रोम, सन सिटी सिंड्रोम बोल सकते हैं। शॉर्ट लास्टिंग यूनिलेटरल न्यूरोलॉजी फॉर्म विथ कंजक्टाइवल इंजेक्शन एंड टियरिंग इसका फुल फॉर्म होता है। शॉर्ट लास्टिंग यूनिलेटरल न्यूरोलॉजी फॉर्म विथ कंजक्टाइवल इंजेक्शन एंड टियरिंग, ये क्लस्टर हेडेक फॉर्म होता है जो देखा जाता है इंडोमेथेसिन के रिस्पॉन्स में। 36th है टोलोसा हंट सिंड्रोम। टोलोसा हंट सिंड्रोम यूनिलैटरल और वाइटल पेन होता है, और कैनल ऑफ 3rd, 4th और 6th के पालसीज के कारण होता है, एक या उससे ज़्यादा की, और ये स्टेरॉइड से ट्रीट किया जाता है। 37th है ट्रॉटर सिंड्रोम या ट्रायड, ये देखा जाता है नेसोफेरिंजियल कार्सिनोमा में ट्रॉटर सिंड्रोम, और ये इन्वॉल्व करता है साइनस ऑफ मॉलगैग्नी को, अगर इन्वॉल्व करता है नेसोफेरिंजियल कार्सिनोमा तब देखा जाता है लैटरली अगर वो इन्वॉल्व करता है। इसमें क्या क्या देखते हैं, कंडक्टिव हियरिंग लॉस मिलता है, सॉफ्ट पैलेट का इप्सीलेटरल इमोबिलिटी हो जाता है, एंड थर्ड न्यूरालजिक पेन होता है 5th नर्व के 3rd वाले पार्ट के डिस्ट्रीब्यूशन में। 38th है वेल्केनबर्ग सिंड्रोम। इसमें पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरेब्रल आर्टरी सिंड्रोम भी बोलते हैं इसको,
तो वेल्कनबर्ग सिंड्रोम जो है किसके कारण होता है, थ्रोम्बोसिस के कारण होता है, पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरेब्लर आर्टरी के, और जिससे कि एस्चेमिया हो जाता है लेटरल पार्ट ऑफ मेड्यूला का। इसमें क्या होता है, वर्टिगो, नोजिया एंड वॉमिटिंग होती है, साथ में हॉर्नस सिंड्रोम, डिस्फेचिया भी हो जाता है, डिस्फोनिया भी होता है, अटेक्सिया भी हो जाता है, और लॉस ऑफ पेन और टेम्परेचर सेंसेशन भी हो जाता है। नाउ 39th है वुडवर्स फ्लेक्चर्स। तो वुडवर्स फ्लेक्चर्स वेन्स फ्लेक्चर्स होता है जो कि इन्फीरियर होता है पोस्टीरियर एंड ऑफ इन्फीरियर टर्बिनेट के, इन्फीरियर टर्बिनेट का जो पोस्टीरियर एंड रहता है उसके नीचे रहता है वुडवर्स फ्लेक्चर्स, और ये पोस्टीरियर एपिक्स टेस्टिस की साइज साइट होती है एडल्ट्स में। नाउ 40th है रिस्बर्ग्स कार्टिलेज। रिस्बर्ग्स कार्टिलेज को क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज भी बोलते हैं। ये सिचुएटेड होता है एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड में रहता है ये, और ये फाइब्रोस्लास्टिक कार्टिलेज होता है और कैल्सिफिकेशन नहीं होता है इसमें रिस्बर्ग्स कार्टिलेज। सो ये थे नगेट्स।